आपने ट्रेन और क्रेन ये शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी लव ब्रेन सुना है? चलिए ये पिटारा तो बाद में ही खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये कितना घातक है ये ही समझ लीजिए। दरअसल चीन से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 18 साल की लड़की को लव ब्रेन नाम की खतरनाक बीमारी हो गई। आसान भाषा में कहें तो ये प्यार का वो जुनून है जो बेहद घातक है। इसे हम ही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। लगता है अबंडन कर रहा है, आइदर रियल और इमेजिन्ड अबंडनमेंट। इस कंडीशन में गेटिंग इनटू रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो इसका मेन ट्रीटमेंट तो हम जो बता रहा था कि मेनली टॉकिंग ट्रीटमेंट, पहले H1N1, फिर कोरोना और अब लव ब्रेन। ये चीन है कि मानता ही नहीं। दरअसल लव ब्रेन का मामला चीन से ही सामने आया, जहां 18 साल की लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के प्रति इतना प्यार हावी हो गया कि वो उसकी हर एक्टिविटी पर ही नजर रखने लगी। यही नहीं, उसे दिन में 100-100 बार कॉल करने लगी। गर्लफ्रेंड के पॉजेसिव बिहेवियर से बॉयफ्रेंड इतना परेशान हुआ कि उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लगता है कोई अबंडन कर रहा है, पर्टिकुलरली अ पार्टनर इन अ रिलेशनशिप, और दोस्त भी हो सकता है, लेकिन लगता है अबंडन कर रहा है, आइदर रियल और इमेजिन्ड अबंडनमेंट। 90s का वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा, दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। लेकिन शायद आज इस बेइंतहा इश्क को कहा जाएगा कि ये लव ब्रेन का ही काम होगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि कहीं अनजाने में आप भी तो इसके शिकार नहीं हैं और आपको पता ही ना लग रहा हो। एक तो बताया कि रियल और इमेजिन्ड फियर ऑफ अबंडनमेंट, दूसरे चीज होता है कि अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी माने मूड या कैसे महसूस होता है, अच्छा महसूस हो रहा है या खराब महसूस हो रहा है अपने आप को, फीलिंग, तो ये बहुत फ्लक्चुएट करता है, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूड फ्लक्चुएशन। हाँ, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब और कुछ चीज होता है, जैसे वेरी क्विक डिसीशन मेकिंग, जजमेंट इम्पेयर होना, और दे ऑलवेज थिंक दे आर इन अ वीकर सिचुएशन vis-a-vis somebody else इमोशनली, तो भूल भाल डिसीशन ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इस कंडीशन में गेटिंग इन टू रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप वेयर दे गेट अब्यूज, इज नॉट वेरी अनकॉमन। ये भी होता है कि किसी किसी को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आइडियलाइजेशन हम बोलते हैं, दूसरे ही पल में लगता है ये सबसे खराब है। भाई इश्क हो या चंग, सभी का उड़ जाता है रंग। जब बेहतर इलाज मिलता है तो इससे बचाव कैसे होगा, अब ये भी जान लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट है प्राइमरीली टॉकिंग ट्रीटमेंट। हाँ, साइकोथेरेपी एज अ पर्टिकुलर, टू टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी ये होता है, जो बात करके जो चिकित्सा होता है ना, तो बात करके वो काउंसलिंग ठीक नहीं है, हम काउंसलिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात करके जो चिकित्सा होता है ये दो तरह का होता है, एक तो डायनामिक थेरेपी, ब्रीफ डायनामिक थेरेपी, और दूसरा DBT बोलता है, एक बिहेवियरल अप्रोच है। तो ये दोनों टाइप का ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड है। डायनामिक थेरेपी इज प्रोबेबली मोर सुपीरियर। तो इसका मेन ट्रीटमेंट तो हम जो बता रहा था कि मेनली टॉकिंग ट्रीटमेंट, दवा कुछ लो डोज में दिया जाता है। तो साइकेट्रिक दवा दिया जाता है, लेकिन नींद का गोली वोली ये सब लेना ठीक नहीं हो। वो कहते हैं ना, वो प्यार क्या जिसमें सवाल ना हो, सवाल सुलझ जाए तो बवाल ना हो।